हाँ जी हाँ आगे तक बात समझ में नहीं आई। मुझे खंड बात ये कर दो, हाँ, इसमें जो मूर्तियाँ छुपाई गई है उन मूर्तियों में वरदान महाभारत के प्रश्न उत्तर श्लोगन आदि का उल्लेख है और बाबा यहाँ जो मूर्ति पढ़ते हैं उनमें इन बातों का उल्लेख नहीं है, तो ये मूर्तियाँ कौन सी सकती है क्या? ये अभी जो निकल रहा है ना वो सब छटा हुआ माल निकल रहा है, कचरा। जो असली एडवांस ज्ञान है वो तो शुरुआत से 75 में जैसे ही एडवांस नॉलेज निकली वो सारे महावाक्य काटते चले जा रहे हैं, काटते काटते अभी जो कुछ रह गया है वो कुछ भी नहीं रह गया है। अभी जो मुर्दियां चल रही हैं इनमें वो महावाक्य एडवांस के सारे काट दिए गए। जो कटा हुआ असली माल है वो तो मुरलीखंड एक और मुरलीखंड दो में आ गया बाबा। हाँ जी, वो वरदान श्लोगन आदि में उल्लेख है। हाँ जी, और यहाँ पर जो पढ़ते हैं बाबा इसमें नहीं है, इसीलिए क्योंकि अभी लंबा समय हो गया ना एडवांस के महावाक्यों को काटते काटते, तो जो असली है माल वो तो निकल गया एडवांस में, एडवांस के लिटरेचर में आपके पास आ गया, और जो कचरा रह गया है वो अब रह गया है जो आ रही है मुरलियाँ। दीदी की सेवा के लिए गए थे, हैं? दीदी की सेवा करने के लिए जब गए थे, हाँ, तो वहाँ पर एक वाक्य था कि कंदर में शिव का प्रवेश नहीं है, तो हमने कहा कि ये तो उनका मन भरत वाक्य है, ये उसमें ऐड नहीं है। उन्होंने कहा कि वही बताओ मैं बोला जो तुम्हारे पास मूर्तियाँ जब है वही मूर्तियाँ उनमें जो है ना, और बाबा जो पढ़ते हैं उनमें ये बातों का उल्लेख नहीं है, तो वो बोल रहे हैं तुम ला के बताओ हमको। कहे के लवा बताओ, वो मुरली ला करके बताओ। तो सारा मुरली खंड तो रखा हुआ है, नहीं सारी जो मुरलियाँ छपी हुई है मुरली खंड एक और मुरली खंड दो वो फोटो फोटो लिए लिखाया गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप बाबा यहाँ जो मुरली पढ़ते हैं, हाँ, इस मुरली में वो जो मुरली खंड है फर्क है। फर्क इसलिए है कि बाबा जो अभी पढ़ रहे हैं वो ब्रह्मा बाबा के समय का पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं ब्रह्मा बाबा के समय का वो उस समय उन्होंने नहीं दिया था, जो नहीं दिया है वो ही पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब इस मूर्ति की कॉपी मिल सकती है क्या? क्यों नहीं मिल सकती, जब बाबा के पास है तो तुम्हें भी मिल सकती है। हेड ऑफिस से ट्राई करो, और बाबा हैं अल्लाह अकबर को देख सकते हैं, अल्लाह अकबर को हैं, जैसे शिव और शंकर का रहस्य है ऐसे ही अल्लाह अकबर का रहस्य है। अक माने अक का फूल, अकबर माने से, अक के फूलों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसका नाम अकबर। तो मुस्लिम धर्म तो दुर्गंध वाला फूल है या सुगंध वाला फूल है? इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये दुर्गंध वाले फूल हैं, व्यभिचार की दुर्गंध फैली हुई है, लेकिन उनमें भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? उनमें भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है उसका नाम उन्होंने दे दिया अकबर। जैसे मनुष्य सृष्टि में, आज मनुष्य सृष्टि में सब पतित हैं, उन पतितों में श्रेष्ठ का नाम क्या है? बाबा ने कोई नाम दिया? नहीं।
हैं? आदम तो तब होगा जब नई सृष्टि शुरू होगी, आदिदेव आदम एडम। अभी तो नई सृष्टि शुरू नहीं हुई, अभी सृष्टि पुरानी है या नई है? पुरानी है, तो पुरानी सृष्टि में नाम क्या दिया? प्रजापिता। तो अकबर हो गया कि नहीं? पति सृष्टि का कौन हो गया? अकबर हो गया। जैसे प्रजापिता पति सृष्टि का अकबर हो गया, वैसे मुसलमानों ने इब्राहिम अथवा उसकी बीज रूप आत्मा को अकबर नाम दे दिया। तो अल्लाह के बाद फिर नाम लेते हैं किसका? अकबर। जैसे अपने यहाँ शिव के बाद नाम लेते हैं शंकर का, परम पिता के बाद नाम लेते हैं परमात्मा का। और बाबा से सर्व संबंधों का रस कैसे ग्रहण करेंगे? भावना की बात है। अपने अंदर भावना धारण कर ली कि हमारा पिता है, हम इसके बच्चे हैं। तो ये जो भावना धारण कर ली, अब ये तो जानते हैं कि सुप्रीम सोल शिव तो हमारा बाप नहीं बनेगा। कौन बनेगा? जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तनधारी आत्मा जन्म जन्मांतर हमारा बाप बन सकती है, अगर हम वैसे वैसे आचरण धारण करें तो, वैसा वैसा प्रैक्टिकल हम पार्ट बजावें तो बाप भी बन सकती है, ग्रैंडफादर भी बन सकती है, हमारा बच्चा भी बन सकती है, टीचर भी बन सकती है, गुरु भी बन सकती है, पति पत्नी के रूप में भी बन सकती है, भाई भी बन सकती है। तो ऐसे सर संबंधों की भावना अपने अंदर धारण करने की बात है, ऐसे संकल्प चलाने की बात है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो क्या ब्रह्मा ने ही संकल्पों से सृष्टि रची? हम बच्चों ने नहीं रची, ब्राह्मणों के द्वारा भी सृष्टि रची जाती है। हर एक ब्राह्मण बच्चे में एक एक दुनिया समाई हुई है। 84 जन्मों में जितनी जितनी आत्माएं हमारे संसर्ग संपर्क में आएंगी, अलग अलग जन्मों में, वो सब हमारी दुनिया है। उस दुनिया में कोई आत्मा सब हमारा क्या संबंध बनेगी, सब हमारे क्या संबंध में आएगी? वो संबंधों की शूटिंग अभी हो रही है। हाँ कौन से देवता थे? शिवजी शिरडी के साईं बाबा, उनको देवता नहीं कहेंगे, वो तो महात्मा थे। देवता तो उनको कहा जाता है जो सत्युग और त्रेता में जन्म लेते हैं, और पक्का देवता उनको कहा जाता है जो सिर्फ सत्युग के आदि में जन्म लेते हैं और फिर 84 जन्म लेते हैं। ये तो कलयुग के अंत में उतरने वाली आत्मा है और मान मर्तबा पा लेती है, चारों तरफ शोहरत हो जाती है, जय जयकार हो जाती है। नई आत्मा उतरने के कारण मान मर्तबा ज्यादा हो जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो तो कोई देव आत्मा है। और विजयमाला और रुद्रमाला कहाँ बनती है? विजयमाला कहा गया है जो विजय दिलवाते हैं,
विजय की प्राप्ति प्योरिटी से होगी, यश से याद से हो जाएगी। प्योरिटी की पावर न मिली तो विजय नहीं हो सकती। ये विजय माला का काम है। रुद्रमाला ज्ञानी तू बच्चों की माला है। जितना ज्ञानी बनते हैं उतना योगी भी बनते हैं। ज्ञान कम है तो योगी भी कम है। तो हम किसके बच्चे हैं? हम साक्षात रुद्र के बच्चे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसी ज्ञान यज्ञ की क्या विशेषता है? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की विशेषता है कि इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। लेकिन स्वाहा तब होती है जब हम बच्चे अपना तन मन धन समय संपर्क संबंधी सब इस यज्ञ में स्वाहा करते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इच्छा मात्र में विद्या की स्टेज पर पहुंचते हैं तब ये रुद्रमाला तैयार होती है पक्की पक्की। ये ज्ञानी तो आत्माओं की माला है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो राज्य चाहिए। प्रैक्टिकल में राज्य चाहिए तो फिर तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। प्योरिटी से ही प्रॉस्पेरिटी होती, प्योरिटी से ही सच्ची पीस होती है। उसके लिए फिर विजयमाला है। विजयमाला की शुरुआत होती है चंद्रवंशियों से। राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी। लेकिन सूर्यवंशी कृष्ण को भी संपन्न बनने के लिए चंद्रवंशी राधा की जरूरत पड़ती है। जब तक उन दोनों का मेल नहीं होगा तब तक राजधानी तैयार नहीं हो सकती। तो बेसिक में शुरुआत होती है विजयमाला की और एडवांस में बनती है रुद्रमाला। पहले बनती है रुद्रमाला और बाद में बनेगी विजयमाला। उस विजयमाला में भी रुद्रमाला के मणके ऐड होते जावेंगे। जब सारे ही मणके ऐड हो जावेंगे तब पक्की विजयमाला कही जावेगी। पक्की विजयमाला तब है जब डबल मणके हो, नहीं तो कच्ची है। विजयमाला भी कच्ची और रुद्रमाला भी कच्ची। बाकी रुद्रमाला पहले बनती है और विजयमाला बाद में बनती है। और बाबा जितने नमूने के रुद्रमाला के मणके होते हैं उतने नमूने के बंदर भी होते हैं। और प्रिंसिपल जो होंगे उनको कोई राजपुत्री में पूछना नहीं करेगी। श्रीमत पर नहीं, श्रीमत पर चले सीधी सभी धोखा नहीं खाएंगे। अरे किसी ने तो समझा होगा तो बोल दो। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई भी राइट नहीं होंगे, होगी ना?
श्रीमत तो लेना पड़ती है। हाँ, पर चलने से कभी धोखा नहीं खा सकते। ठीक है, पॉइंट का हैं? श्रीमत पर चलने वाले धोखा खा सकते हैं क्या? मत किसकी है? श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत है, औरों की मत पर चलने वाले धोखा खा सकते हैं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप है उसकी मत पर चलने वाले होंगे, वो धोखा कैसे खा लेंगे? कुछ न कुछ मन मत मिक्स करेंगे तो धोखा खाएंगे, और मनुष्यों की मत मिक्स करेंगे तो भी धोखा खाएंगे। शिव बाप की मत पर अगर एक्यूरेट चलने वाले हैं तो धोखा खाने का कोई मतलब भी नहीं। और दूसरा है, बाप चलने का तक मत देते, तो यहाँ तो बाप मत देते है ना, जैसे स्कूल में भी चल पड़ा है तो सारे आज तो बताएंगे। सन्मुख आकर मत देते हैं। हाँ, सन्मुख आकर हिम्मत देते हैं। हाँ, यहाँ तो बाप मत देते हैं ना, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते तो थोड़ा आगे कम पड़े। कम कुछ समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? बाप सन्मुख आके मत नहीं दे रहे हैं अभी। बाप तुम किसे बाप समझते हो? शिव बाप सन्मुख आकर मत देते हैं या परोक्ष रूप में मत दे रहे हैं? सन्मुख ही तो मत दे रहे हैं, परंतु ये समझने की बात है। जिनको निश्चय हो चुका है कि सन्मुख है उनके लिए सन्मुख मत है, जिन्होंने नहीं निश्चय कर पाया उनके लिए सन्मुख नहीं है। संशय पैदा होता है, ये सन्मुख है या विमुख है? और बाबा नांदेड़ का पुराना नाम नंदीग्राम है, वो किस आधार पर नंदीग्राम में पड़ा? नांदेड़ को भारत का ननिहाल कहते हैं, नानी का हाल, नानी का घर, मामा का घर कहते हैं, ये किस आधार पर कहते हैं? अच्छा, नंदी किसे कहते हैं? नंदी माने बैल, बैल के रूप में पाठ किसका है? ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा हमारा खास करके रुद्रमाला वालों का। माँ का घर नहीं है, है? माँ का घर है या नहीं है? तो ननिहाल हो गया। इसी आधार पर गांव का नाम डाल दिया नंदीग्राम, नंदीग्राम से बिगड़ के नंदियाल हो गया, नांदेड़ हो गया। एक नंदियाल भी है और एक नांदेड़ भी है। और महाभारत युद्ध को महाभारी महाभारत गृह युद्ध कहना क्यों पड़ा? महाभारी हल्का नहीं, कैसा? महाभारी, जैसे कोई कहते हैं ना, अरे भाई ये काम तो हमारे लिए बहुत भारी है, माने सहज काम नहीं है, बहुत उस काम को उठाना बहुत कठिन काम है। तो ऐसे ही ये युद्ध 63 जन्मों में
ये आधा कल्प में जो भी युद्ध होते आए हैं उन जैसा युद्ध नहीं है। उन युद्धों के मुकाबले ये युद्ध महाभारी है, बहुत भारी है। खून की नदियां बहेंगी, काल मंडराएगा चारों ओर, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, इसलिए महाभारी है। और दूसरा नाम महाभारी भी है और साथ महाभारत। ऐसे तो हम सब भारतवासी हैं, भारतवासियों में सामान्य भारतवासी भी हैं, विशेष भारतवासी भी हैं, लेकिन उन सब में महान भारत कौन है? प्रजापिता। तो वो मुख्य पार्ट बजाने वाला है उसमें, इसलिए बताया महाभारत। काय में रत रहता है वो प्रजापिता, काय में रत रहता है भारत, ज्ञान की रोशनी में सबसे जागती रत रहता है, इसलिए महाभारत नाम पड़ा। और गृह युद्ध बाहर का युद्ध है या गृह युद्ध है? घर गृहस्थ के अंदर का ही युद्ध है। क्यों? क्योंकि वो भारत जो है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, बीज रूप बाप है। वो बाप का नारा है क्या? वसुधैव कुटुंबकम्। सारी दुनिया ही हमारा ग्रह है, कुटुंब है। तो जब सारी दुनिया कुटुंब है तो सारी दुनिया का युद्ध लड़ेगा या छोटी मोटी दुनिया का युद्ध लड़ेगा? सारी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। पुरानी दुनिया स्वाहा होती है, नया बगीचा जो बनेगा वो थोड़ी स्वाहा होगा। साकार बाबा ने 1966 में घोषणा की कि आने वाले 10 वर्ष में अर्थात 1976 में भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का विनाश होगा। लक्ष्मीनारायण के चित्र के नीचे से ये महावाक्य दिया हुआ है, घोषणा भी दी हुई है। मुरलियों में भी ऐसी घोषणा कराई गई थी, ज्ञानामत पत्रिका में भी छपाई गई थी और अखबारों में भी ये घोषणा उस समय डाली गई थी, पर्चे भी छपाए गए थे। तो भ्रष्टाचार विकारों का विनाश होगा और शीघ्र ही लक्ष्मीनारायण का राज्य आएगा, ये भगवान के महावाक्य कैसे साबित होंगे, कब होंगे? ये बिना ये वाणी जो घोषणा की है वो 66 की है, 10 साल का टाइम दिया था, तो कब पूरे होते हैं? 76 में पूरे होते हैं। 76 में जो आने वाले 10 वर्ष पूरे हुए तो काय में से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है भारत में से। भारत सारे देश की धरणी को अथवा सारी धरणी के रहवासियों को कहेंगे मूल रूप में, या एक को कहेंगे? एक के लिए बोला गया है। और एक में भी शरीर भी एक है और आत्मा भी एक है। तो पहले आत्मा के लिए लागू होगा या शरीर के लिए लागू होगा? आत्मा के लिए ये वाक्य लागू होता है।
भारत माने जो आत्मा सदैव काहे में रत है, ज्ञान की रोशनी में रत है। कब से रत होगी? सन 76 से। 76 से सदैव ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली आत्मा जब ज्ञान में ही रत रहेगी तो सूक्ष्म वतनवासी हुई या साकार वतनवासी हुई? है सूक्ष्म वतनवासी हो गई। सूक्ष्म वतनवासी हो गई माना शंकर का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? शंकर का पार्ट हुआ। शंकर का पार्ट सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते का पार्ट हुआ। फरिश्तों में भ्रष्टाचार और विकार होता है क्या? नहीं होता। इसीलिए बोला है कि सन 76 से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। ऐसे नहीं कि शरीर के अंदर से होने वाला है। शरीर पहले सतो प्रधान बनेगा, शिष्टाचारी बनेगा, कि आत्मा पहले संकल्पों के आधार पर बनेगी? पहले आत्मा बनेगी। तो ये मूल फाउंडेशन सन 76 में पड़ गया। और फिर बताया आगे, शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण का राज आएगा। तो अभी पता नहीं चला कि 40 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 के बाद 77, 77, 78 कर लो, या तो 76 करो संपूर्णता वर्ष, 77 करो संपूर्णता वर्ष, 77 पूरा हो तो 78 शुरू हो। तो ज्यादा से ज्यादा 78, 78 से लेकर के और 2000 हैं 18 तक, ये 40 वर्ष पूरे होंगे और शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे या 8 के सामने पहले प्रत्यक्ष होंगे? पहले 8 पहचानेंगे, फिर धीरे 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 108 भी नंबर वार पहचान। जैसे अव्यक्त वाणी में बोला है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ जी बाबा, दो बार इनसे जो आप देवास में उतरती है उनकी शूटिंग संगम में कैसे होती है? कहाँ से उतरती है? दो बार इनसे कमला वाले जो आत्माएं उतरती हैं, देवात्माएं उतरती हैं, माना 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ तो त्रेता के अंत तक उतरती हैं, 10 करोड़ से ऊपर जो उतरती हैं द्वापर युग से शुरुआत से। हाँ अभी कैसे हो जाएगी? अभी तो थोड़ी हो जाएगी, अभी तो सतयुग की आदि की शूटिंग ही नहीं हुई प्रैक्टिकल में। अभी 8 उतरे तो उनकी शूटिंग नहीं हुई। पहले तो 8 उतरे हैं, फिर 108 उतरे हैं, फिर 16108 उतरे हैं, फिर उसके बाद प्रजावर्ग का नंबर लगे, फिर उसके बाद दूसरे धर्म वाले आवे जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर 10 करोड़ उतरे। अभी उतरे हैं क्या? उतरे तो नहीं। हाँ संदेश मिला है, हाँ संदेश लेने में उतर गए, प्रैक्टिकल में तो नहीं उतरे। हाँ जी परवणी का नाम प्रभावती नगरी है। कहाँ है प्रभावती नगरी? है कौन से सन में बोलते थे? कोई हिस्ट्री है कि एक कहावत है कहीं हिस्ट्री में? कोई हिस्ट्री में ऐसा कुछ आया है पृथ्वीराज चौहान के समय में या उससे पहले कि प्रभावती नगरी थी? निजाम का जब बादशाह का राज्य था उसका कोई प्रूफ मिले ना? कहावत है, चलो कहावत को भी मान लेते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो दो हो जाते हैं। परभणी का नाम है प्रभावती,
ये प्रभावती का रूप बिगड़ा हुआ परवणी नहीं है, पर माने दूसरा, बणी माने बोला हुआ, क्या परवणी माने दूसरों के द्वारा बोला हुआ, दूसरों द्वारा जिसका नाम मान शान निकला हो, दूसरों के द्वारा जिसका गायन हुआ हो, उसको कहते हैं परवणी। तो परवणी का नाम प्रभावती, प्रभावती का अर्थ होता है प्र माने प्रकृष्ट रूप, भा माने रोशनी, प्रकृष्ट रूप से ज्ञान की रोशनी, वती माने वाली, जैसे धनवती धन वाली, ऐसे ही प्रभावती प्रकृष्ट रूप से ज्ञान की रोशनी वाली। तो प्रकृष्ट रूप से ज्ञान की रोशनी वाली तो सरस्वती है, सरस्वती का अपर नाम है प्रभावती। और वहां पर प्रभावती देवी का मंदिर भी था, लेकिन अब वो मंदिर कहाँ है ये कोई भी नहीं जानते। हो सकता है निजाम बादशाह के राज्य में उस मंदिर को उखाड़ के फेंक दिया गया हो, लेकिन ये तो अटकलें हैं, अनुमान की बातें हैं, पक्का प्रूफ कोई मिले तो कुछ निश्चित किया जाए। और बाबा, हाँ जी, शत्रु के अंत में दो करोड़ हैं, शत्रु के अंत में दो करोड़ देवता हैं, पिता के अंत में 10 करोड़, हाँ जी, और बाकी 33 करोड़ में से जो बाकी है 23 करोड़ के अंत तक आते हैं, 23 करोड़, हाँ 23 करोड़, हाँ। तो फिर कलयुग में तो देवता होते नहीं है, तो ये बाकी देवता कैसे कलयुग में देवता ही नहीं होते? अगर देवताएं नहीं होते तो आज के भारत में कहीं कहीं ऐसे परिवार भी मिल रहे हैं जो 60, 65, 100 लोगों का परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खा रहा है और एक ही उसका मुखिया है, और मुखिया अपने परिवार में ऐसे माना जाता है जैसे राजा माना जाता हो। ये कैसे मिल रहा है? धर्म सत्ता राज सत्ता एक ही आत्म होती है, पूरे परिवार का एक ही भाषा होती है, एक ही कुल होता है, एक ही मत होती है। वो मुखिया जहाँ चलेगा, अगर जनता पार्टी में जाएगा तो सारा परिवार कहाँ जाएगा? जनता पार्टी में जाएगा। ऐसे परिवार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? प्राय है लोप हैं, माने कहीं कहीं बिरले मिल रहे हैं, मोजूरी नहीं है। जैसे बरगद का पेड़ कलकत्ते में तो मिल ही रहा है, ऐसा ऐसा बरगद का बड़ा बड़ा पेड़ और जगह भी है भारत में, फरनाओं में फैला हुआ है। तो ऐसे परिवार भी मिल रहे हैं, तो ये निशानी है। वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं जो एक भाषा एक राज्य एक धर्म के कंट्रोल में चलने वाले हैं। और अहमद नाम के राजाएं भी हुए हैं, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद अहमद, अहमद नाम के कई एक राजा हुए, अहमद नाम से ही अहमदाबाद नाम पड़ा है। तो जो जो राजाएं आए उन्होंने अपनी यादगार बनी रहे इसके लिए कोई न कोई शहर बसा दिया, और अपने नाम पर उस शहर का या गांव का नाम
घोषित कर दिए, ऐसे नाम पढ़ते रहे। जैसे फर्रुख सियर आया तो फर्रुख सियर ने फर्रुखाबाद बसाई दिया, ऐसे बहुत से शहर हैं, हैदराबाद किसके नाम से हैदराबाद नाम पड़ा, ऐसे नाम पढ़ते गए। क्या लिखा है पढ़ पाएंगे क्या? बाबा चिरंज उसे कहेंगे जिस चोरें से जन्म की जानकारी होती है। चिरंजीवी अभी होते होते हैं क्या? हाँ। बाबा चिरंजीवी उसे कहेंगे जिसे सवरेंसी जन्मों की जानकारी होती है। सब चिरंजीवी ज्यादा समय तक जिंदा रहने वालों को चिरंजीवी का सवरेंसी जन्मों की जानकारी होती है। जानकारी वो चिरंजीवी अभी होते हैं क्या? नहीं, जानकारी नहीं। हाँ, जानकारी यहाँ होगी तो चिरंजीवी भी होंगे। जिनको जानकारी ही नहीं होगी तो चिरंजीवी होंगी कहाँ से? ठीक है, रुद्रमाला के मणके पुरुष स्वभाव संस्कार वाले हैं तो इनको इतनी सेफ्टी में क्यों रखा जा रहा है? क्यों भाई, रुद्रमाला के सभी मणकों को सेफ्टी में रखा जा रहा है या कोई कोई है जिनको रखा जा रहा है? हैं? रुद्रमाला के कितने मणके हैं? अरे, रुद्रमाला के कितने मणके हैं? अभी इस जन्म में कितने साबित होंगे? हैं? 4.5 लाख तो विजयमाला में से आधे आएंगे, 2.25 लाख है ना? तो 2.25 लाख जो है वो सब सेफ्टी में रखे जा रहे हैं क्या? हैं? नहीं, कोई कोई उनमें से चुने हुए हैं जिनको सेफ्टी में रखा। टोटल आखिरी तक आखिरी तक कितने होंगे जिनको सेफ्टी में रखा जाएगा? 16,108। 2.25 लाख में से 16,108 ये तो कुछ भी नहीं हुए। तो ये बात नहीं है कि रुद्रमाला के सभी मणके सेफ्टी में रखे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रुद्रमाला के मणके तो हैं जिनको सेफ्टी में रखा जा रहा है विशेष विशेष को, लेकिन क्या वो पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में है? हैं? स्त्री चोले वालों को ही रखा जा रहा है, माना स्त्री चोले वालों को सेफ्टी में रखना अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न कोई पूछ रहा है क्यों हमको रखा जा रहा है, इतनी हमारी सेफ्टी क्यों की जा रही है? तो इतना मतलब वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, हैं? अंध बंधन में रहना उनको पसंद नहीं है। ऐसा संस्कार, ऐसा स्वभाव, ऐसा संकल्प क्यों आ रहा है? क्योंकि पूर्व जन्मों में कैसे होकर रहे हैं? हाँ, राजा बन के रहे हैं स्वतंत्र संस्कारों वाले। ये भारत के राजा हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहे, किसी के बंधन में नहीं रहे। उनके ये महावाक्य हैं, संकल्प चल रहे हैं कि हमको इतना सेफ्टी में क्यों रखा जा रहा है। और विजयमाला के मणके जो रानी बनने वाली आत्माएं हैं, पवित्रता की देवियां हैं, उनको इतनी सेफ्टी में नहीं रखते हैं। उनके पीछे एक एक माता लगा के नहीं रखते हैं। यहाँ हर एक के साथ एक एक माता लगाई जाती है, कहीं भी जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे
तो एक माता रख दी जाएगी। कहीं भी बाहर जाएंगे, दुकान में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो भी एक माता उनके साथ रहेगी। इतनी सेफ्टी में रखा जाता है। और वहाँ बेसिक में विजयमाला में उनको इतनी सेफ्टी नहीं दी जाती, अकेली घूमती फिरती है इधर उधर, प्रश्न पैदा होता है। धर्मशास्त्र में गीता का रचयिता कृष्ण मान लिया गया है, तो गीता का रचयिता शिव कैसे सिद्ध करना है? गीता में ही ढेर सारे श्लोक आए हैं जिन श्लोकों से साबित होता है कि मैं निराकार हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ। ऐसे ऐसे महावाक्य ढेर सारे आए हैं जिनसे ये साबित होता है कृष्ण तो अजन्मा नहीं है, कृष्ण ने तो जन्म लिया माँ बाप से, कृष्ण तो अभोक्ता नहीं है, उन्होंने 16108 रानियों के साथ भोग भोगे, उसे अभोक्ता कैसे कह दिया? ना अजन्मा है, ना अभोक्ता है, ना अकर्ता है। और शिव तो इस सृष्टि पर आता है, शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करने के बाद भी इतना निर्लिप्त होकर के कार्य करता है, उसे कर्मों का बंधन लगता ही नहीं। काम कर्म किया न किया, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। नहीं तो आज की दुनिया में किसी को 2 गालियां दे दो तो एकदम फनफना के ऊपर आएगा। और शिव बाबा को तो कितनी गालियां मिलती रही, 63 जन्म भी गालियां मिलती रही, और अभी प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो भी अखबार भरे पड़े हैं, चैनल्स भरे पड़े हैं, आगे चल के और पता नहीं क्या क्या होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो भी मुरली में क्या कहते हैं? कुत्ते हैं, कुत्तों को भौंकने दो, तुम कुछ भी न करो। बाबा खुद तो कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन बच्चों को भी क्या कह दिया? तुम कुछ भी न करो, तुम गुस्से में नहीं आना। तो इतना सहन कोई दुनिया में करता है क्या? तो वो अकर्ता नहीं है, वो अकर्ता भी है, अयोनी है। हम तो सब तो जन्म लेने वाले हैं, वो थोड़े जन्म गर्भ से जन्म लेता है। एक तो गीता में ही लिखा हुआ है, दूसरी बात द्वापर के आदि में गीता बनाई गई है या वेद बनाए गए हैं? है? वेद पहले बनाए गए? नहीं, जैसे यज्ञ के आदि में पहले गीता पढ़ करके सुनाते थे कि पहले मुरली चलाई जाती थी, है? गीता पहले पढ़ के सुनाते थे, गीता के अर्थ बताते थे। तो पहले गीता ही निकली है, ऐसे ही द्वापर के आदि में पहला शास्त्र निकला है गीता। बल्कि गीता भी नहीं निकली, गीता से भी पहले बने हैं चित्र, अजंता एलोरा एलिफेंटा। हिंदू कुछ आदि पर्वत जो है उनमें गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है, उन चित्रकारियों से ये साबित होता है कि वो सारे शास्त्र उन चित्रों में भर दिए गए, शास्त्रों का सार भरा हुआ है, उस सार का भी सार गीता तैयार हुई है सबसे पहले। तो पहला जो शास्त्र होगा वो सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा? तो गीता शास्त्र सत्व सात्विक था, उसमें कृष्ण का नाम उस समय नहीं था। बाद में कोई कृष्ण के फॉलोअर्स आए हैं जिन्होंने 1947 में शूटिंग करना शुरू किया। पहले निराकारवादी रचना थी या साकारवादी रचना थी? पहले निराकारवादी रचना थी, जैसे शूटिंग में हुआ है वैसे ही वहां हुआ, प्रैक्टिकल में हुआ।
निराकार का अर्थ भी तो समझना है। निराकार का मतलब ये नहीं कि बिंदी, बिंदी अगर है तो वो बोलेगी कैसे? वो बिंदी भी साकार तन में आकर निराकारी स्टेज बनाता है। निराकारी स्टेज बनने के बाद फिर सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। जब तक संपूर्ण निराकारी स्टेज नहीं बनी है तब तक संसार में वो प्रत्यक्ष ही नहीं होगा। एक सौ आठ की माला में लास्ट नंबर जगदम्बा का है, तो क्या ऐसे ही गंगा और यमुना के लिए भी नंबर फिक्स है क्या? गंगा ये भीष्म पितामह, ये सन्यास धर्म के मुख्य मणके है या नहीं है? मुख्य मणके है। तो सन्यास धर्म की आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होंगी या चंद्रवंश की आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होंगी? हैं? चंद्रवंश पहले प्रत्यक्ष होंगे। चंद्रवंश पहले प्रत्यक्ष होगा तो चंद्रवंश का मुखिया पहले प्रत्यक्ष होगा या चंद्रवंश के भांति पहले प्रत्यक्ष होंगे? हैं? मुखिया पहले प्रत्यक्ष होगा। अगर मुखिया पहले प्रत्यक्ष होगा तो चंद्रवंश का मुखिया तो चंद्रमा है ना? तो दुनिया में जितने भी धर्मगुरु हैं देहधारी, उन सब देहधारियों में सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन है? ब्रह्मा। जब ब्रह्मा सबसे बड़ा देहधारी धर्मगुरु है, वो पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए या बाद में प्रत्यक्ष होना चाहिए? हैं? हैं? पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों मिलेंगे तभी संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी। इस्लाम वंश ये तो बाद की बात है, बौद्ध वंश उसके भी बाद, क्रिश्चियन वंश उसके भी बाद, मुस्लिम वंश उसके भी बाद, सन्यासियों के साथ ही आता है लगभग। तो नंबरवार प्रत्यक्षता होगी या पहले छोटे प्रत्यक्ष होंगे फिर बाद में बड़े प्रत्यक्ष होंगे? नंबरवार प्रत्यक्षता होगी। ऐसे ही 108 माला में भले लास्ट नंबर है किसका? जगदम्बा का, लेकिन साथ में है, लास्ट में होते हुए भी साथ में है या दूर है? साथ में। अणुबम्ब सबसे पहले अमेरिका ने बनाए, ऐसे हिस्ट्री में आया है, क्या ये सही है? नहीं। एटम बम्ब सबसे पहले अमेरिका ने बनाया या रशिया ने बनाया? रशिया ने बनाया। बनाने वाला है, इजाद करने वाला है रशिया, और फिर बनाने वालों में सबसे आगे बढ़ गया अमेरिका। और बाबा ऐसे क्यों कहा जाता है कि एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के समान है और एक कुमार 700 ब्राह्मणों के समान है? ऐसे कहते ऐसे क्यों कहते? क्योंकि 7 शीतलाएं जब खिलाई जाती हैं, पूजा होती है, तो 7 शीतलाओं के मुकाबले कौन रखा जाता है साथ में? एक कुमार रखा जाता है। तो एक कुमार की उतनी ही कीमत है, उतनी ही वैल्यू है जितनी 7 शीतलाओं की।
ये संगम युग की बात है। संगम युग में पहला मणका जो है अष्टदेवों में उसे आदिदेव कह दो, उसकी उतनी वैल्यू है, क्योंकि वो भी पहले पहले शुरुआत में जब प्रत्यक्षता हुई होगी पहली पहली तो कुमार था या अधर कुमार था, कुमार था, तो वो एक कुमार की वैल्यू इतनी है जितनी सात शीतलाओं की वैल्यू है। इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसा गायन चला आ रहा है, इसलिए कुमारों के लिए इतना महत्व दिया है। क्या बोला है कुमारों के लिए, कोई महावाक्य बोला है? हाँ, कुमारियों के लिए, अधर कुमारियों के लिए, अधर कुमारों के लिए नहीं बोला गया। किसके लिए बोला गया? कुमारों के लिए बोला गया कि इतनी शक्ति होती है वो चाहे तो जो चाहे सो कर सकते हैं, सारी दुनिया का ध्वंस करना चाहे तो ध्वंस कर दें, और सारी नई दुनिया को नव निर्माण करना चाहे तो नया निर्माण कर दें। और बाबा 69 में उनके साकार शरीर के सारे कर्म बंधन खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता है। साकार शरीर से उनको जितना भी प्राप्ति करनी थी वो पुरुषार्थ सारा पूरा किया, इसलिए उनको शरीर नहीं मिलना साकार शरीर से। सेवकराम जिसने शरीर छोड़ा सेवकराम ने, पुनर्जन्म लेना पड़ा, पुनर्जन्म लेना पड़ा, उनको साकार शरीर का कर्म बंधन रह गया, उनका कनेक्शन है सारी दुनिया से, हिसाब किताब है सारी दुनिया से, और ब्रह्मा बाबा का हिसाब किताब है, वो भारत का बापू है या विश्व का बापू है? ब्रह्मा बाबा है देहद में भारत का बापू, और प्रजापिता है सारे विश्व का बापू, तो सारे विश्व का बापू सारे विश्व से कनेक्शन रखना है या सिर्फ भारतवासियों से कनेक्शन रखना है? ब्रह्मा बाबा का इतना ही कनेक्शन था, तो अपना काम जल्दी पूरा कौन करेगा? जिसका कम कनेक्शन होगा वो जल्दी पूरा करेगा या जिसका बहुत लंबा चौड़ा कनेक्शन है वो जल्दी पूरा करेगा? ब्रह्मा बाबा का कम कनेक्शन था, थोड़ी आत्माओं से कनेक्शन है जन्म जन्मांतर का, क्योंकि वो माता का पार्ट है, माता घर संभालती है और बाप सा बाप बाहर संभालता है सारी दुनिया में विचरण करता है, तो बाप का कनेक्शन और माता की कनेक्शन में बहुत अंतर होता है। माता घर संभालती है इसलिए थोड़े बच्चों से कनेक्शन है, और बाप का सारी दुनिया से कनेक्शन है इसलिए लंबा टाइम लगता है। और ब्रह्मा के 50 साल गए हुए शरीर के बिना है, ब्रह्मा 50 साल गए हुए शरीर के बिना, तो 38 तक, 2038 तक तो उसके 68 होते हैं, 68 साल होते हैं, 37 सर। शरीर से एकाकार होने का काम जो है, विष्णु एक शरीर है या अलग अलग शरीर है? पांच एक शरीर है, उनमें भी विष्णु का जो रूप है वो राम और सीता से है, लक्ष्मी नारायण से है, तो चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, उसे कहते हैं विष्णु का रूप। तो चारों पांचों आत्माओं के संस्कार मिलकर के 2018 में एक हो जाएंगे, इसलिए वो आत्माएं तो अलग हैं लेकिन शरीर एक ही कहा जाएगा। राम और कृष्ण के संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे, या अभी जैसे लड़ाई चल रही है वैसे चलती रहेगी, सूर्य और चंद्र, चंद्रवंश और सूर्यवंशी की झगड़ा अंत तक चलता रहेगा या समाप्त होना भी शुरू होगा? कब से समाप्त होना शुरू होगा? 2018 से ये झगड़ा समाप्त होना शुरू होगा, तो
तो जरूर दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे, तो आत्मा एक हो जाएगी और शरीर नहीं, शरीर एक हो जाएगा और आत्मा दो रहेंगे। और परभणी में पारदेश्वर का मंदिर बहुत फेमस है, क्योंकि पारे का शिवलिंग बना हुआ है। पारा तो लिक्विड होता है, है कि ठोस होता है, फिर उसका शिवलिंग कैसे बनेगा? नाम ले दिया हुआ पारदेश्वर। अरे पारा लिक्विड होता है, है होता ही नहीं। पारा तो खिसक जाता है, ठोस कैसे बनेगा? बाबा जिसने शिवलिंग बनाया था ना, हाँ, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई एक दो दिन के बाद, मिक्स करके बनाया। ब्रह्मा की तुरंत इंटरफेयर करती थी वो चीज चलाते तो अभी वो कैसे इंटरफेयर करती? जिसका इंटरफेयर करने का स्वभाव है वो अंत तक इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसने बात को समझाई नहीं है कि गीता का भगवान कौन है, तो अंत तक इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा सब बातों में? वो तो करेगा, चाहे तब हो चाहे अब हो, उसका तो स्वभाव संस्कार है, बचपना है, और वो बचपना क्षम्य है, क्योंकि भोलेनाथ का भोला बच्चा है, प्यारा बच्चा है, छोटा बच्चा 5 साल का होता है तो उसके लिए शास्त्र में भी कहा हुआ है पंचवर्षाण लाड़ते, 5 वर्ष तक बच्चे से प्यार ही प्यार करना चाहिए, कभी लाल आंखें नहीं दिखानी है, कभी थप्पड़ नहीं मारना है, कभी उसको दंड नहीं देना है, उसका हक है हट करने का। अगर वो चांद लेने की भी हक हट करे तो भी उसे संतुष्ट करना है। पंचवर्षाणि लाड़न्ते 10 वर्षाणि ताड़न्ते तत्पश्चात पुत्रेण मित्रवत् समाचरित, 5 वर्ष के बाद का जो 15 वर्ष तक का समय है उसमें ताड़ना करनी चाहिए, उसके बाद बच्चे से बच्चे की तरह नहीं लेकिन मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि हमारा बच्चा है। बाबा कहते तो है राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, फोटो में तो ऐसा दिखाया जाता है कि पहले नारायण को दिखाया जाता है, पहले नारायण को दिखाते हैं फोटो में, वास्तव में तो पहले लक्ष्मी को दिखा रहे हैं, पहले लक्ष्मी होनी चाहिए नहीं। बामांगी कहा जाता है स्त्री को, स्त्री को वामांगी कहा जाता है कि राइटियस कहा जाता है? तो वामांगी माने वाम अंग में है, यह हाथ वाम अंग है। और बाबा महाभारत में क्या क्या है पांडवों के सामने जंगल में आग लगेगी तो कौन बच जाएगा? चूहा। हाँ तो
चूहे में ये शक्ति होती है कि अगर आग लगती है तो जमीन खोद करके नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने इशारा दे दिया। क्या क्या इशारा दे दिया कि आग लगने वाली है, सुरंग खोद के भाग जाओ चूहे की तरह। ऐसे ब्राह्मण कहाँ हैं? ऐसे ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए हैं। क्या जब आग लगने वाली होती है ना, तो अंदर ही अंदर सारा घर कुरेद के खोखला कर देते हैं। चूहों ने सारा घर बेसिक वालों का कुरेद कुरेद के खोखला कर दिया। जितने अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं वो सारे इधर आ गए। बाबा ने द्विजन्मा ब्राह्मण किसको कहा है? द्विजन्मा ब्राह्मण किसको कहा है? चोटी का ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता। वो चोटी का ब्राह्मण ही कृष्ण है, संगम जी। जो संगम जी कृष्ण है उसी का पहला जन्म जेल में होता है और दूसरा जन्म प्रत्यक्षता का होता है। वो ही प्रत्यक्षता का जन्म दूसरा जन्म है द्विजन्मा। उसके बाद जो अष्टदेव है वो प्रत्यक्ष होते हैं तो नवगोत्र बन जाते हैं। हो चुका। ओम शांति।